झारखंड सरकार ने 2023 और 24 का बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस बार के बजट में पिछले साल की तुलना में 15% की बढ़ोतरी करते हुए 1,16,418 करोड़ का बजट पेश किया है। 2024 चुनाव से पहले पेश होने वाले इस बजट में हर वर्ग का सरकार का फोकस रहा, लेकिन सरकार की नजर रही युवा, किसान और आधी आबादी यानी कि महिलाओं पर, जहां सरकार ने सभी के लिए बंपर घोषणाएं की हैं। क्या कुछ खास रहा इस बार के इस बजट में, हमारी इस खास रिपोर्ट में आप देखिए। हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता किसानों को ऋण से मुक्त करना है। झारखंड के बजट का पिटारा खुल गया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विपक्ष के हंगामे के बीच सदन में बजट पेश किया। झारखंड ऋण माफी योजना के माध्यम इस बार उम्मीद थी कि प्रदेश सरकार बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देगी, और हुआ भी ऐसा ही। जहां सरकार ने बजट में तमाम क्षेत्र और वर्ग के लिए बंपर घोषणाएं की, वित्त मंत्री ने 1,16,418 करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले साल की तुलना में 15% ज्यादा है। बजट में सबसे पहले बात करेंगे युवाओं की। बेरोजगारी की मार झेल रहे झारखंड के युवाओं के कौशल और रोजगार पर बजट में फोकस रहा। जहां मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण देने की घोषणा हुई। राज्य के 1,40,000 युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। गुरुजी क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और एकलव्य प्रशिक्षण योजना में 37,000 बच्चों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया। राजकीय विश्वविद्यालय में इनोवेशन कम स्टार्टअप सेंटर बनाने का प्रस्ताव रखा गया। बरही, बुंडू, पतरातू, चाईबासा, जमशेदपुर, खूंटी में नए पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलेंगे। राज्य के स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाएगा। छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय बनाए जाएंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए 12,446 करोड़ रुपए का प्रावधान। श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग के लिए बजट में 67% की बढ़ोतरी की गई। श्रम नियोजन के लिए 985 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। 23-24 में मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत राज्य के 1,40,000 युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य है। प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार न मिलने की स्थिति में 6 माह तक पुरुषों को 1,000 रुपये प्रतिमाह तथा महिलाओं और दिव्यांगों को 1,500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। बीच में नहीं सुरेश बाबू, आप नेता हैं, छात्रों को आप नेता हैं, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना आप नेता हैं, परीक्षा के लिए निशुल्क कोचिंग हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना एवं एकलव्य प्रशिक्षण योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा, जिसमें लगभग 37,000 छात्र छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। तकनीकी शिक्षा में नामांकन अनुपात में वृद्धि हेतु बरही, बुंडू, पतरातू, चाईबासा, जमशेदपुर एवं नॉलेज सिटी खूंटी में नए राजकीय पॉलिटेक्निक खोले जाने का प्रस्ताव है। परीक्षा फाउंडेशन के सहयोग से गोड्डा, जामताड़ा, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग, खूंटी, बगोदर एवं पलामू जिले में नवनिर्मित 8 पॉलिटेक्निक का संचालन अगले शैक्षणिक सत्र से किया जाना प्रस्तावित है। झारखंड की बड़ी आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी है, लेकिन बीज और खाद की चिंता आज भी किसानों के लिए सिरदर्द से कम नहीं है। ऐसे में बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं हुई। किसानों के आर्थिक सहयोग के लिए नई योजना की घोषणा हुई। किसान ऋण माफी योजना के तहत 4.5 लाख किसानों को राहत। किसानों के खाते में 1,00,427 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। खाद का इस्तेमाल कम करने पर जोर। मोटे अनाजों के उत्पाद पर सरकार का जोर। मिलेट मिशन के लिए 50 करोड़ का प्रावधान। पशुधन विकास योजना के लिए 300 करोड़ का प्रावधान। दुग्ध उत्पादन के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ी। कृषि एवं संबंध परिषद अध्यक्ष महोदय, राज्य की आर्थिक संस्कृति आज भी मुख्यतः खेती किसानी पर आधारित है। हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता किसानों को ऋण से मुक्त करना, सूखा राहत दिलाना और सबसे महत्वपूर्ण उनके आय में वृद्धि करना है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से 4.5 लाख से अधिक किसानों के बीच 1,727 करोड़ रुपए की ऋण माफी की गई है।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत लाभुकों के पशुधन उपलब्ध कराते हुए उनकी आय में वृद्धि की जा रही है। वर्ष 23-24 में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत अधिक से अधिक लाभुकों को जोड़ने हेतु 300 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध किया गया है। झारखंड का इस बार का बजट खास तौर पर ग्रामीण विकास पर केंद्रित रहा। इसमें युवाओं और किसानों के अलावा महिलाओं के हितों में भी कई घोषणा की गईं। सरकार की योजनाओं में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का विजन दिखा। वित्त मंत्री ने घोषणा की, विधवा पुनर्वास योजना में महिलाओं को कई फायदे दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी चलो योजना शुरू की जाएगी। 800 नए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्र के लिए 100 करोड़ का बजट का प्रावधान। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को 6000 प्रतिमा उपलब्ध कराई जाएगी। आंगनबाड़ी महिलाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों को पाठशाला पूर्व शिक्षा हेतु आंगनबाड़ी चलो अभियान योजना प्रारंभ की जाएगी। इस योजना के तहत बच्चों को पोशाक एवं वर्कबुक तथा सभी केंद्रों में फर्नीचर इत्यादि उपलब्ध कराए जाने हेतु वर्ष 23-24 में 190 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना भवन नहीं रहने से काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसके मद्देनज़र वर्ष 23-24 में 800 नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण का प्रस्ताव है। इसके तहत आगामी वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। बजट में झारखंड सरकार के मिशन 2024 की झलक भी देखने को मिली, जहां मेन फोकस युवा, किसान और आधी आबादी यानी महिलाओं पर रही। बम्पर घोषणाओं से सरकार ने सभी वर्ग को रिझाने की पूरी कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार, झारखंड।